हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रश्मीज क्विजीन। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये बहुत ही लजीज दिख रहा है। तो आज मैं आप लोगों के साथ मसाले वाले दही बैंगन की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। तो अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आए तो मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन है, उसे ज़रूर दबाएँ और शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन का बटन दबाएँ ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियोज़ की अपडेट्स मिलती रहे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने ये छोटे साइज़ का 250 ग्राम बैंगन ले लिया है और इसे मैंने अच्छे से धोकर साफ़ कर लिया है। अब हम इसे कट कर लेंगे। तो सबसे पहले हम बैंगन के डंठल को ऊपर से काट लेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा ड्राई हो रहा है, तो इसे काट कर हटा दें। अब हम बैंगन को इस तरह से बीच से काटेंगे ताकि हमें ये पता लग जाए कि अंदर से बैंगन ठीक है। अगर बैंगन ख़राब होगा तो आप उसे हटा दें। अब हम दूसरी तरफ से भी इस तरह से काटेंगे। हमें इसे प्लस के निशान की तरह काट लेना है। तो आप देख सकते हैं बैंगन बिल्कुल ठीक है। हमें बैंगन को पूरी तरह से नहीं काटना है, ऊपर से इसे जॉइंट ही रखना है। अब दूसरे बैंगन को भी बिल्कुल उसी तरह से काट कर तैयार कर लें। इस तरह से काटने का कारण है कि अगर बैंगन अंदर से ख़राब हो तो वो पता तो चलेगा ही, और दूसरी बात, जब हम बैंगन को फ्राई करेंगे मसाले लगाकर तो ये अच्छे से अंदर तक फ्राई हो जाएंगे। सारे बैंगन को मैंने काट कर अब तैयार कर लिया है। अब एक बोल में सारे बैंगन को डाल दें। अब हम इनके ऊपर मसाले लगाएंगे। अब इसमें डालें थोड़ी सी हल्दी, लगभग आधी छोटी चम्मच, लगभग आधा छोटा चम्मच नमक, लगभग एक चौथाई चम्मच लाल मिर्च पाउडर, ये मैंने कश्मीरी लाल मिर्च यूज़ किया है। अब इसमें डालें आधा छोटा चम्मच तेल। अब हाथों की सहायता से बैंगन के अंदर तक ये सारे मसाले को अच्छे से लगा दें। इस प्रोसेस को ध्यान से करें, नहीं तो बैंगन के टुकड़े हो सकते हैं। अब ये अच्छे से कोट हो चुके हैं, अब हम इन्हें फ्राई करेंगे। बैंगन को फ्राई करने के लिए एक पैन में एक बड़ा चम्मच तेल डाल दें और इसे अच्छे से गर्म होने दें। तेल अच्छे से गर्म हो चुका है, अब इसमें बैंगन को डाल दें। अब इन्हें अच्छे से चला लें ताकि तेल बैंगन में अच्छे से लग जाए। अब हम ढक्कन लगाकर लगभग 2 मिनट के लिए बैंगन को मीडियम फ्लेम पर पकने देंगे। 2 मिनट हो चुके हैं, अब हम इन्हें फिर से हल्का सा चला लेंगे ताकि बैंगन हर तरफ से एक समान पक जाए। अब हम इन्हें ढक्कन लगाकर फिर से 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर पकने देंगे। 2 मिनट बाद आप देखेंगे कि बैंगन का कलर भी चेंज हो गया है और बैंगन पकना भी शुरू हो गया है। तो हम इसी प्रोसेस में बैंगन को तब तक पकाएंगे जब तक कि बैंगन अच्छे से गल ना जाए, और हम इसे मीडियम लो फ्लेम पर ही पकाएंगे ताकि बैंगन ना जले। 4 से 5 बार बिल्कुल उसी प्रोसेस में मैंने ढककर बैंगन को अच्छे से पका लिया है। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल अच्छे से गल चुका है। मैं आपको चेक करके दिखाती हूँ। तो चेक करने के लिए एक चाकू लें और बैंगन के अंदर इस तरह से इंसर्ट करें। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल गल चुके हैं। तो बिल्कुल इसी तरह से आप भी बैंगन को अच्छे से पका लें। अब इन्हें एक बोल में निकाल लें और एक तरफ रख दें। अब इसी कढ़ाई में लगभग 2 बड़े चम्मच तेल डाल दें। तेल गर्म हो जाए तो इसमें लगभग 1/4 चम्मच हींग डालें। अब इसमें डालें आधा छोटा चम्मच सरसों के दाने, आधा छोटा चम्मच सफ़ेद तिल डाल दें। अब इसमें स्वाद अनुसार कटी हुई हरी मिर्च को डाल दें। अब मीडियम फ्लेम पर सारी चीज़ों को हल्का सा पका लें लगभग 20 से 30 सेकंड के लिए ताकि इसमें अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। अब इसमें डालें 1 छोटा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। अगर आपके पास अदरक लहसुन का पेस्ट नहीं है तो आप अदरक लहसुन को बारीक काट कर या कद्दूकस करके भी डाल सकते हैं। अब हम मीडियम फ्लेम पर अदरक लहसुन के पेस्ट को अच्छे से फ्राई करेंगे लगभग 1 मिनट के लिए। अब ये अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, अब हम इसमें 2 मीडियम साइज़ के बारीक कटे हुए प्याज को डाल देंगे। अब हम प्याज को लगातार चलाते हुए मीडियम फ्लेम पर तब तक फ्राई करेंगे जब तक कि प्याज गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। जैसा कि आप देख सकते हैं प्याज अब गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इसमें बाकी के मसाले ऐड करेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच जीरा पाउडर, स्वाद अनुसार इसमें लाल मिर्च पाउडर डाल दें आपको जितना तीखा पसंद हो, और ये मैंने कश्मीरी लाल मिर्च यूज़ किया है, इससे कलर बहुत अच्छा आता है। हल्दी पाउडर डालें 1/2 छोटा चम्मच। अब इसमें डालें 1/4 चम्मच काली मिर्च का पाउडर। अब इसमें डालें 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर। अब इसमें डालें 1 बड़ा चम्मच बेसन। बेसन डालने से ग्रेवी काफ़ी थिक बनती है तो आप इसे ज़रूर डालें। अब हम इन्हें मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए तब तक फ्राई करेंगे जब तक कि सारे मसाले अच्छे से फ्राई ना हो जाए।
मसालों को फ्राई करते हुए 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, अभी अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसमें टमाटर का पेस्ट डालेंगे। तो ये मैंने मीडियम साइज़ के 2 टमाटर को कद्दूकस करके ले लिया है। आप चाहें तो टमाटर को मिक्सर ग्राइंडर में भी बारीक पीस सकते हैं। अब इन्हें अच्छे से चला लें और हमें फ्लेम को इस वक्त मीडियम ही रखना है। अब हम इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। हमने नमक पहले भी यूज़ किया था बैंगन को फ्राई करने समय, तो आप उसी के अकॉर्डिंग इसमें नमक ऐड करें, मिक्स कर लें। अब इसमें डालें 1/4 चम्मच कसूरी मेथी, इसे भी मिला लें। अब इसमें डालें 1 छोटा चम्मच बारीक कटा हुआ हरा धनिया। अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेना है और हमें फ्लेम को मीडियम रखना है। अब हम इसमें दही ऐड कर लेंगे, तो लगभग 2 बड़े चम्मच इसमें दही डाल दें, या आप चाहें तो दही की मात्रा कम ज़्यादा कर सकते हैं। और एक बात का ध्यान जरूर रखें कि दही बिल्कुल फ्रेश हो, दही खट्टे ना हो। अब हम इन्हें लगातार चलाते हुए मसालों से तेल अलग होने तक मीडियम आंच पर पका लेंगे। लगभग 4 से 5 मिनट बाद आप देखेंगे कि मसालों से तेल अलग होना शुरू हो गया है। अब हम इसमें ग्रेवी के लिए पानी ऐड करेंगे। तो ग्रेवी आप अपने अकॉर्डिंग थोड़ी गाढ़ी या पतली रख सकते हैं। तो मैंने इसमें लगभग 3/4 कप पानी डाल दिया है। अब इन्हें अच्छे से मिक्स करें और हम इस समय फ्लेम को मीडियम ही रखेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 छोटा चम्मच गर्म मसाला। अब गर्म मसाला डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है हमें। मिक्स कर लेने के बाद हम इसमें बैंगन को डाल देंगे जो हमने फ्राई करके रखा था। अब बैंगन के ऊपर ग्रेवी को डाल दें ताकि ग्रेवी बैंगन के अंदर तक अच्छे से अब्सॉर्ब हो जाए। अब हम इसे ढककर लो फ्लेम पर लगभग 2 से 3 मिनट के लिए पका लेंगे। बैंगन को ग्रेवी में पकते हुए पूरे 3 मिनट हो चुके हैं। अब आप देख सकते हैं कितना लजीज दिख रहा है और बहुत ही बढ़िया कलर आया है। अब ये बिल्कुल तैयार है। अब स्टोव को बंद कर दें। अब इसे एक सर्विंग डिश में सर्व करें और बारीक कटे हुए धनिया पत्ती से गार्निश कर दें। लीजिए, मसाले वाले दही बैंगन अब बिल्कुल तैयार है सर्व करने के लिए। तो दोस्तों, रेसिपी पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक करें और अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।